अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। तो आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे पास है HP EliteBook 840G5। हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, हार्ड रैम जो जो चीज़ें इंक्रीज जितनी हो सकती हैं एक्सटेंड हो सकती हैं, स्क्रीन और बैटरी कैसे इसकी हमें चेक करनी है। जैसे स्टूडेंट लैपटॉप लेने जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, तो आज हम इसके अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, लैपटॉप की लुक को देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत लग रहा है HP का जो न्यू लोगो है। पुराने की निस्बत अगर देखा जाए तो HP का ये वाला लोगो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे भी EliteBook मेंशन है, ये देख सकते हैं आप। और लैपटॉप सारा जो है वो हमारे पास मेटल बॉडी में ही मिल जाता है हमें। ये यहाँ पे हीट सिंक मिल रही है, USB सुपर फास्ट पोर्ट हमें मिल जाती है SSS। और दूसरी साइड पे देखते हैं, हाँ जी, इस साइड पे हमें एक थंडरबोल्ट सी टाइप एक पोर्ट मिल रही है, HDMI पोर्ट मिल रही है और एक और USB पोर्ट मिल जाती है, वो भी SSS सुपर फास्ट में मिल जाती है, ऑडियो जैक प्लस सिम। ये ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये सिम का ऑप्शन भी आ रहा है। ये ठीक है जी, PTA प्रूफ करवाना पड़ता है, 2 महीने के लिए ठीक होती है सिम। अगर आप डाटा वाली सिम यूज़ करेंगे, ओनली डाटा वाली, तो फिर PTA का इशू नहीं आता। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी कुछ लिखी हुई है, हम यहाँ से देख लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम HP EliteBook 840G5 मॉडल मिल जाता है हमें, इंटेल कोर i5 8th जनरेशन। और रैम की बात की जाए तो हमें रैम मिल रही है 8GB DDR4 में, और SSD इसमें 256 NVMe लगी हुई है। स्क्रीन FHD 14 इंच इसका डिस्प्ले साइज़ है, हमें मिल जाता है। तो इसको खोल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले खोल, जब भी लैपटॉप को मैं इसको ओपन करने लगता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि वन हैंड है या आपको डबल हैंड से यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये लैपटॉप नीचे से उठता है तो मींस के डबल हैंड है, और अगर नहीं उठता तो सिंगल हैंड में आ जाएगा। चलिए इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। नाइस, तो ये बिल्कुल वन हैंड है, बिल्कुल फोर्सफुली नहीं खुला, आराम से ये खुल गया है और नीचे से बॉडी भी इसकी नहीं उठी। चलिए जी, यहाँ पे भी देख लेते हैं इसके कीज़ वगैरह और यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। यहाँ पे EliteBook मेंशन किया गया है और ये इसका माउस, और i5 8 जनरेशन का हमें लोगो मिल जाता है, साथ ही फिंगरप्रिंट हमें इसका मिल जाता है। और कीबोर्ड की बात की जाए, कीबोर्ड हमें बैकलाइट कीबोर्ड में मिल जाता है, इसका कम्बिनेशन सिल्वर ब्लैक के साथ किया गया है। और ये हमें एक एडिशनल माउस भी दिया गया है, जो EliteBook सीरीज़ जो आती है उसमें ये दिया जाता है। तो प्रो बुक भी होते हैं जिसमें आते भी हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं आते। और ये हमें ऑडियो BNOK हमें ऑडियो मिल जाती है, जो किसके स्पीकर्स BNOK हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं ये वाले। और HP का यहाँ पे जो लोगो मेंशन किया गया वो भी न्यू लोगो में दिया गया है। चलिए जी, इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करेंगे यहाँ से, ऑन पे भी यहाँ पे इसकी LED लाइट ऑन हो गई है, और साथ ही कीबोर्ड की भी बैकलाइट लाइट ऑन हो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं लोगो कौन सा दे रहा है। यहाँ पर भी हमें लोगो न्यू मिल जाता है, प्रोटेक्टेड बाय HP श्योर स्टार्ट। चले जी, देख लेते हैं ये हमें विंडो स्टार्ट होती है टाइम कितना लेता है, और इसको हम फर्दर देखते हैं आगे। तो लैपटॉप बहुत खूबसूरत है, बहुत अल्ट्रा स्लिम में हमें ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है जी, और FHD डिस्प्ले। चले जी, आज हम बात जो करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लैपटॉप में चेक क्या करेंगे। आपने लैपटॉप ऑन कर लिया, सबसे पहले आपने चेक क्या करना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको किस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप काइंडली सर्च करके घर से निकला करें। एक तो लोग इसी तरह करते हैं, जाते हैं जी, अब कोई दिखा दें 4th generation 6th generation, तो अपना प्राइस का आइडिया होता है, फिर जब वो 6th generation 4th generation के प्राइस सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे जैसे है इतना महंगा लैपटॉप। तो इसलिए काइंडली सर्च करके निकला करें। आपको इस चीज़ से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, और आप इसको आइडिया ले सकते हैं कि ये वाली चीज़ मार्केट में। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो इंटरनेट पर आप प्राइसेस चेक करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाके, वो ऑथेंटिक नहीं होती, वो उन्होंने पुराने रेट्स दिए होते हैं, और वो जो जिनकी प्राइस कम होती है वो लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक नीचे। तो फिर मार्केट जो है वो इस हिसाब से चल रही होती है, डॉलर्स के हिसाब से चलती है, अप एंड डाउन मार्केट होती रहती है, बिजनेस का बेसिकली होता ही उसमें अप एंड डाउन चलती रहती हैं।
चलिए जी, अब लैपटॉप है हमारे पास i5 8 जनरेशन 8 GB 256 GB के साथ। तो हमने सबसे पहले हमने इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है प्रोफेशनल वे में। आपने ये काम नहीं करना कि माई कंप्यूटर में जाके और यहाँ से आप प्रॉपर्टी चेक करने जो लग जाते हैं, ये भी चलें ठीक है, एक नॉर्मल वे है। इसमें आपको पता चल जाता है i5 8 जनरेशन है, 8 GB रैम है, बस आगे नहीं पता चलता। तो आपने क्या करना है, आपने सर्च में लिख लेना है dxdiag। इनकी कमांड जितनी भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे यस कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो इस टाइम टैब ओपन होगा उसमें इसका हमें मॉडल नंबर, इसकी बायोस, इसकी विंडो कब हुई, करंट टाइम, रैम कितनी है, इंटेल का प्रोसेसर कौन सा है, कितने सीपीयू उसके साथ मिल जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको साइज स्पेसिफिकेशन जो है जितनी भी है ओवरऑल यहाँ पर मिल जाती है। जैसे इंटेल का i5 8 जनरेशन 8350U CPUs है, 1.7 GHz 8 CPUs के साथ मिल जाता है, 8 GB रैम है। और डायरेक्ट इसमें जो विंडो का है वो इस टाइम 12 चल रहा है। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले, और ये इंटेल UHD है, अल्ट्रा HD 620 हमारे पास इसमें इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, और डिस्प्ले मेमोरी 128 MB, और टोटल इसमें 4 GB है। और आपको डायरेक्ट ड्रा, एक्सट्रेशन, सब चीज़ें अनेबल मिल रही हैं, मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह काफ़ी सारे जो हैं अडोब टाइप के यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ड्राइवर ना हो तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम फाउंड पे बता देता है कि बेसिक ड्राइवर चल रहा है या कोई इस तरह का इशू है। और इस तरीके से आप साउंड को देख लेंगे, और इसमें इनपुट में भी बता देगा, माउस, कीबोर्ड, वायरलेस बटन, ये वो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे ड्राइवर्स ना हो तो यहाँ पे बता देता होता है। अच्छा, जो हमने नेक्स्ट चेक करना है वो हमने इसकी ऑडियो चेक कर लेनी है, वो आपने वहीं पे यूज़ कर लेना है, और यूट्यूब पे या वीडियोस वगैरह वैसे कुछ पड़ी होती हैं वहीं से देख के साउंड वगैरह चेक कर लेना है। साउंड के बाद आपने कीबोर्ड चेक करना है, कीबोर्ड के कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह उन्होंने वैसे रखे होते हैं, अगर नहीं है तो आपने ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट में जाके गूगल क्रोम में जाएँ और वहाँ पर ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट पर ही इसका सारा कीबोर्ड चेक हो जाता है। तो कीबोर्ड चेक करने के बाद, माउस कीबोर्ड चेक करने के बाद आपने डिस्प्ले चेक कर लेना है, ठीक है। डिस्प्ले के अलावा आपने रैम्स वगैरह देख लेनी है, और सीपीयूज कितने हैं इसमें, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के आपने टास्क मैनेजर खोल लेना है, शॉर्ट की है इसकी। यहाँ से परफॉर्मेंस में आएंगे, ये सीपीयूज आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सीपीयूज में बता रहा है, जैसे i5 8 जनरेशन है, और ये बता रहा है कि इसमें कोर 4 है, लॉजिकल प्रोसेसर 8 हैं, और विचुअलाइजेशन भी इसमें अनेबल चल रही है, और 6 MB कैशी के साथ हमें ये मिलता है। तो काफ़ी पावरफुल इसका प्रोसेसर हमें मिल जाता है। नॉर्मली जो होते हैं यू प्रोसेसर में 2 कोर और 4 लॉजिकल प्रोसेसर ही होते हैं, तो इसमें इस टाइम 4 कोर हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर मिल जाते हैं। रैम्स में आएंगे, रैम में बताएगा जी 8 GB रैम है। अब सिंगल है या डबल है तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं, स्लॉट यूज़ 1 of 2, तो इसमें 8 GB की सिंगल रैम लगी हुई है, और DDR4 टेक्नोलॉजी। और डिस्क में आ जाएंगे तो डिस्क में बता देगा जी कितने GB इसमें लगी हुई है, जो इसमें M2 लगी हुई है या NVM लगी हुई है, और ये 256 बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मॉडल है, अब इसका पूरा मॉडल कॉपी करें और गूगल पे फेंक दें तो आपको बता देगा ये क्या लगा हुआ है और कौन सी है, कैसी है, किस टाइप की लगी हुई है। और GPU में ये वही होता है जो शेयर्ड हो जाता है रैम के साथ, शेयर्ड होकर आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड इसको बढ़ा देता है। वैसे नॉर्मली इसमें 128 ही वी रैम जिसको कहते हैं, उसमें 128 MB मिलती है। और इसी तरीके से आपने कैमरा भी चेक कर लेना, जैसे जूम की क्लासेस चल रही हैं तो उसके लिए कैमरा भी होना ज़रूरी होता है, तो आपने कैम लिखना है तो ये आ जाएगा, ये ठीक है जी, कैम ओपन हो गया। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वाईफाई वगैरह देख लें जी, वाईफाई कितनी स्ट्रेंथ चल रही है, आसपास के आ रहे हैं नहीं आ रहे वो आपने देख लेने हैं। इसके अलावा साउंड भी चेक करते हैं इसका कैसा है। फोर के वीडियो स्ट्रीम चल रही है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने फिजिकल लैपटॉप पूरा देख लेना है, क्या है क्या नहीं है, कैसा है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक हो गया। स्क्रैचेस, ये चीज़ें होती हैं आपने खुद देखनी होती हैं।
बाकी इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो जिस तरह कोरोना के हालात से हम निकल रहे हैं तो डॉलर्स की जो हिसाब किताब चल रहा है, डॉलर अप एंड डाउन जैसे हो रहा होता है, तो उस हिसाब से इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 80, 85, 90 तक जो है इसकी चल रही है। i5 8 8 GB रैम या 16 GB, जैसे मतलब स्पेक्स ज़्यादा होंगी उनकी 90 से 95 तक की बजट में भी चली जाती हैं। तो 8 GB और 256 GB के साथ मार्केट में इसकी वैल्यू 75 से 80 चल रही है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो में कुछ और पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आप लैपटॉप के हवाले से पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हो सकता है मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर हो सका तो वीडियो बनाने वाली हुई तो उस पर आपको वीडियो बना के मज़ीद मैंशन कर दिया जाएगा आपको। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।